हरिओम, मी स्नेहा विरा दीक्षित, हैदराबाद उपासना केंद्र। साल 2012-13 का ये मेरा अनुभव मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। मैं अपनी फैमिली के साथ में घूमने गई थी कोंकण अलीबाग में। रात का शाम का वक्त हुआ, हमने एक टवेरा गाड़ी की थी और हम सारी लेडीज थी, बस दो जेंट्स थे हमारे साथ में। और हम तामिनी घाट अलीबाग से रिटर्न होते हुए तामिनी घाट की तरफ से हम आ रहे थे, रिटर्न जाना था हमें। उस गाड़ी तामिनी घाट तक बहुत अच्छे से चली। उसके बाद में जैसे घाट शुरू हुआ, रात का वक्त था, बीच घाट में वहां पे ना कोई लाइट है, कुछ भी नहीं था और गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए और सब लेडीज थे, हम बच्चे लोग थे, तो सब टेंशन आ गया, अब क्या करना है। ड्राइवर भी डर गया कि अभी क्या होगा। मैंने बापू को बोला, बापू इस ये सिचुएशन से बाहर निकालो, रात के 12 बज रहे थे, ना कोई हेल्प है, कुछ भी नहीं है। मैं ओम मन सामर्थ्य राता श्री अनिरुद्धाय नमः ये जप कर रही थी। उसी वक्त हमें एक टेम्पो मिला, तो टेम्पो में से कुछ लोग उतरे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे रात भर रुकोगे तो कुछ गारंटी नहीं है कि सुबह तक आप जिंदा भी रहोगे करके। हम सब बहुत डर गए थे उस वक्त, सिर्फ बापू का जप कर रहे थे हम सभी लोग, बापू इस सिचुएशन से हमें आप प्लीज बाहर निकालिए। टेम्पो आया, उन्होंने कहा हमारे पास में रोप है जो हम आपकी कार को लगा देंगे और आपकी गाड़ी हम खींच के लेके जाते हैं। और हमें ध्यान में नहीं आया उस वक्त कि हमें सबको भी उस टेम्पो में बैठना चाहिए थे। हम सब लोग उसकी कार में रहे और उसने रोप लगा के टेम्पो स्टार्ट कर लिया। जब चढ़ान का वक्त था तब चल गई गाड़ी, लेकिन जैसे स्लोप आया उस टाइम पे गाड़ी के दो रोप टूट गए, एक रोप पे गाड़ी चल रही थी। हमें डर लग रहा था, हम टेम्पो ड्राइवर को बुला रहे थे लेकिन वो उसे आवाज ही नहीं जा रही थी और किसी के मोबाइल में उस वक्त नेटवर्क ही नहीं था। बापू को बोला, बापू सिचुएशन ये, इससे बाहर निकालो हमें। उस टाइम पे उससे क्या मन में आया पता नहीं, उसने ड्राइवर ने गाड़ी रुका दी। ये सिर्फ और सिर्फ बापू की कृपा है। और उसने हमें फिर बोला कि आप आके हमारे टेम्पो में बैठ दीजिए। उस टेम्पो में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो स्वामी समर्थ की तरह दिख रहे थे पूरी तरह से, और वो सेम स्वामी जैसे बैठने की पोजिशन में है वैसे बैठे। हम सब बैठ गए उस गाड़ी में, हमारा गाड़ी टेम्पो स्टार्ट हो गया। और उस वक्त मैं उनके पास में देख रही हूँ, मुझे एक मिनट के लिए बापू दिखाई दे रहे, दूसरे मिनट में मुझे स्वामी समर्थ दिखाई दे रहे और वो मेरे पास में हंस रहे देख के। और हम सब इतने डरे हुए थे कि बात करने की हम इसमें मूड में ही नहीं थे एक दूसरे के साथ में, बस सब बापू का नाम जप कर रहे थे कि बापू इससे हमें बाहर निकालो। और ये अनुभव ऐसा है कि उस वक्त मेरे बापू आए और उन्होंने हमें इस सिचुएशन से निकाला था, क्योंकि जैसे हम फिर वो घाट से हम नीचे गाड़ी लेके आई और उन्होंने हमें ड्राइवर ने बोला कि आप अभी पहुंच गए हो, इसके आगे आप आपका रास्ता देख लेना। जाते वक्त वापस मैंने उस इंसान के पास में देखा पर मुझे वो बापू ही दिखाई दे रहे थे और मैं बाकियों को बोल रही हूँ पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं रख रहा था। फिर 10 मिनट हुआ उस और मिड रात का वक्त था तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। अब हमारे पास में काफी सामान था, मैं बापू को बोली बापू अभी यहाँ तक लेके आए हो, अब हमें आगे तक भी लेके जाना। जैसे हम गाड़ी से उतरे नहीं, 5 मिनट में एक 6 सीटर रिक्शा आ गई और वो रिक्शा वाले को हमने बोला आप हमें शिवाजी नगर बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए करके, तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ। और उन्होंने बहुत कम पैसे हमसे लिए, हमें लगा इस सिचुएशन में लोग बहुत लूटते हैं कितना चार्ज करेंगे, लेकिन बहुत कम पैसों में उन्होंने हमें वहां पे छोड़ा। तो हम पैसे ढूंढ रहे थे जब ही गाड़ी से उतरने के बाद, तो हमने उनको बोला भैया आपका गाड़ी बंद कीजिए 5 मिनट के लिए, हम आपको पैसे देते। तो वो इंसान मुझे बोलते हैं हमारी गाड़ी कभी बंद ही नहीं होती है करके, ये हमेशा चालू ही रहती है। और एक अलग ही उन्होंने मेरे पास देख के हंसने लग गए वो मेरे पास देखकर। तो मैंने कहा पता नहीं उस टाइम पे ध्यान में नहीं आया, और जैसे उनको पैसे दिए वो आगे निकल गए गाड़ी लेकर। और 2 मिनट में वापस से मुड़ के देखा तो वो गाड़ी ही नहीं है, मतलब वो रास्ता बहुत लंबा नहीं था लेकिन वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सद्गुरु की कृपा है कि जहाँ उस टाइम शायद मेरा हमारा मृत्यु अटल था, लेकिन बापू की इच्छा बापू की कृपा हम पे थी जो उस
वक्त हमें रोक लिया, बापू ने हमें उस सिचुएशन में बचाया और हमें वहां से बाहर निकाला। तो ये सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु हमें सद्गुरु पे विश्वास रखे, वो हमें तारते हैं हर जगह से। हरिओम श्री राम अम्बद।